नमस्कार सभी दोस्तों को। कल जो भी किसान आंदोलन में हुआ, लाल किले पर जो घटनाएं हुई, उन सब से बड़ा ही ज़्यादा आहत हूँ, दुखी हूँ और व्यथा है कि अपने लोगों के साथ ऐसा हुआ है। इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि कैसे कुछ विशेष व्यक्ति लोगों की वजह से इस किसान आंदोलन पर धब्बा लगा है और कुछ लोग काफ़ी दिन से यही चाह रहे थे। मैं कोई भगवान नहीं जिसको हर चीज़ का पता है, हर चीज़ की जानकारी से मैं वाकिफ हूँ, पर मैं इस वीडियो में वही बात करूँगा जिसका मुझे क्लोजली पता है, मेरे या मेरे नज़दीकियों ने उसको जिया है, अनुभव किया है। और आपको भी यही बोलूँगा कि भाव में बहकर सोशल मीडिया पर कुछ भी शेयर मत कीजिए, किसी को कुछ मत डिक्लेयर कीजिए, प्लीज़ प्रोपेगेंडा का पार्ट मत बनिए। और एज सेइंग ऑलवेज गो, हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। कुछ भी अधपका तर्क मत दीजिए, गली का वो कुत्ता मत बनिए जिसको हर गुजरने वाले पर भौं-भौं करना है। और कुछ चीज़ें हैं, चार चीज़ें हैं जिनकी वजह से मैं ये बोलूँगा कि आपको इस वीडियो को देखना चाहिए, हो सकता है आपको कुछ एडिशनल जानकारी और एक अलग पर्सपेक्टिव मिल जाए, पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाए। और अगर आपको इन चारों कैटेगरी में आप ऑलरेडी फॉल करते हैं, ऑलरेडी हो, और तो आप इस वीडियो को सिंपली रिसेंटली डिलीटेड वाले फोल्डर्स में डाल सकते हैं। और अगर आप नहीं भी हो तो हो सकता है कि आपको इस वीडियो में कुछ एडिशनल जानकारी मिल जाए, या एटलीस्ट मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपको जानने को मिले बेस्ड अपॉन मेरे एक्सपीरियंस। प्लस फिर भी अगर आपको इस चीज़ से और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से असहमति है तो आप भी इसको डिलीटेड फोल्डर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मुझे कोई खेद नहीं होगा इस चीज़ का। तो पहली चीज़ कि मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ, हमने पिछले साल 6 महीने पहले तक खेती की है और अब भी मेरे जो क्लोज्ड फैमिली मेम्बर्स हैं मोस्टली खेती के व्यवसाय पे डिपेंडेंट हैं, तो मुझे पता है इन एंड आउट्स की खेती में क्या चल रहा है, किसानों के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है और क्या उनकी डिमांड है, कौन सी जायज़ है, कौन सी नाजायज़ है। दूसरी चीज़, मेरे पास अपनी ज़मीन है, मैं किराए का किसान नहीं हूँ और हो सकता है और कोशिश रहेगी मेरी कि वो ज़मीन मेरी मेरे पास ही रहे। तीसरी चीज़, मैंने इस आंदोलन के अलावा जाट आरक्षण आंदोलन को भी काफ़ी क्लोज से देखा है और उसके अनुभवों को भी जिया है कि उस टाइम लोगों के साथ क्या हुआ, कैसे सरकार ने लोगों के साथ डील किया और कैसे उस फाइनली उस आंदोलन को टर्मिनेट किया गया। तो वो अनुभव को मैं इस आंदोलन के से रिलेट करके देख सकता हूँ और उसका पर्सपेक्टिव ला सकता हूँ सिंपली। और चौथी चीज़ है कि कल जो किसान आंदोलन में हुआ उसको भी मैंने क्लोजली देखा है। मैं अप्सरा बॉर्डर के पास रहता हूँ तो शाम को जब सारी न्यूज़ आ चुकी थी कि यहाँ पर किसानों ने ये किया, लाल किले पर ये हुआ, नांगलोई टीकरी बॉर्डर पर ये हुआ, अप्सरा बॉर्डर पर ये हुआ, तो मन व्यथित हुआ, दुखी हुआ और मन किया कि मैं भी एक बार जाके देखूँ कि सच्चाई क्या है। तो और मैं अप्सरा बॉर्डर पर गया शाम को 4 बजे देखने क्या हुआ है, क्या नहीं है, क्या वहाँ का दृश्य है। और उसके बाद मैंने कोशिश भी की कि मैं नांगलोई जाकर भी देखूं, मैंने मेट्रो पकड़ी, इंद्रलोक तक गया लेकिन ग्रीन लाइन बंद थी तो मैं वापस घर आ गया। लेकिन वहाँ पर भी बॉर्डर पर उस एरिया में भी मेरे करीबी रिश्तेदार हैं जिनसे, और मैं सोनीपत से मैं खुद आता हूँ तो वहाँ के लोग भी जो आंदोलन में आए हुए थे उनके पर्सपेक्टिव शायद मैं ला सकता हूँ। तो ये चार चीज़ें हैं जिनकी वजह से मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा आपको एक अलग पर्सपेक्टिव दे सकता हूँ। अब बात करते हैं कि जो चीज़ें कल गलत हुई हैं उनकी। पहली चीज़ कि क्या लाल किले या ITO पर किसान का पहुँचना गलत है या सही है? मैं कहता हूँ बिल्कुल गलत है। अगर दिल्ली पुलिस के साथ किसी रूट पर उनकी सहमति बनी थी तो सब लोगों को वहाँ रहना चाहिए था, उसी रूट पर रहना चाहिए था। दूसरा पॉइंट कि क्या लाल किले पर तिरंगे के अलावा
किसानी और निशान साहिब का झंडा फहराना गलत है, मैं बोलूँगा गलत है। एक तिरंगे की जगह कोई नहीं ले सकता, और उन उन झंडों को तिरंगे से कंपेयर करना भी गलत है। तिरंगा सर्वोपरि है, सर्वोपरि था, सर्वोपरि रहेगा। तीसरी चीज़, जो हमारे किसान भाइयों को चोट आई है, जो किसान भाइयों की जाने गई हैं, प्लस जो हमारे पुलिसकर्मियों को चोट आई है, क्या वो सही है गलत है? बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। वो भी किसी परिवार का सदस्य है, वो भी किसी के भाई बहन बाप है। शाम को घर गए होंगे तो परिवारों को दुख हुआ होगा कि हमारे बच्चे, हमारे बाप, हमारे भाई को ये चोटें किसने दी, क्यों दी। सब गलत है, पर हमने सिर्फ जो चीज़ें गलत हुई हैं उनके बेसिस पर, उनके आधार पर पूरे किसान आंदोलन को गलत ठहराना बिल्कुल गलत है। ये भी उतना ही गलत है। ये एक प्याज की तरह है, हमने सिर्फ प्याज की बाहर वाली परत को देख लिया है। लेकिन हो सकता है जब चीज़ों को खोलने की कोशिश करोगे तो अंदर एक, जैसे प्याज के अंदर मिलती है वो सफ़ेद चीज़, इसको खाने का ही मन नहीं करता है, तो अंदर हो सकता है कि ऐसी ही गिरी हुई चीज़ मिले, ऐसा ही गिरा हुआ रेशन मिले जिसकी वजह से ये हुआ है, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगे। तो क्रिटिकली सोचना चालू करें, बाहों में मत बहें, रिक्वेस्ट है। एक छोटा सा एग्जाम्पल पकड़ते हैं, रावण और विभीषण एक ही परिवार में पैदा हुए थे, एक ही माहौल में रहे थे, फिर भी विभीषण ने अपने भाई से अलग जाकर न्याय को सपोर्ट किया था, न्याय की तरफदारी की थी। तो हो सकता है हमारे किसान आंदोलन के परिवार में भी ऐसे छोटे छोटे रावण हों जिनकी वजह से ये डिरेल हुआ है, जिनकी वजह से ये गलत दिशा में गया है। पर इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा किसान आंदोलन का परिवार गलत है। तो सबको पकड़कर एक बस्ते में मत डालिए। अब पहले पॉइंट की बात करते हैं कि तय रूट से अलग रूट पर इतने लोग कैसे पहुंचे। मुझे लगता है बड़ा आसान है, जो कुछ भी असामाजिक तत्व थे उनको, अगर वो किसी के आगे आगे चल रहे हैं तो लाजमी है कि उनके पीछे भीड़ का जाना लाजमी है। यहाँ इतना बड़ा परिवार था, कोई किसी को पर्सनली नहीं जानता था, और जो किसान भाई आसपास के राज्यों से आए वो कोई ओला उबर के ड्राइवर नहीं है कि उनको पता है कि मेरे को किस रास्ते पर जाना है। मैं खुद दिलशाद गार्डन जब शाम को गया, तीन किसानों से मैंने बात की कि अंकल जी आप इस रास्ते पे कैसे आ गए और आप जाना कहाँ चाह रहे थे, और आपने भी कल रिपोर्ट्स ऐसी देखी होंगी टीवी पे जहाँ किसान भाई यही नहीं बता पा रहे थे कि हमें जाना कहाँ है, दिशाहीन है, लेकिन अगले वाला चल रहा है तो हम भी चल रहे हैं। तो इस चीज से सहमत हो जाइए कि हो सकता है कि कुछ लोगों ने आगे बढ़कर जानबूझकर रूट को डिरेल किया और पीछे जनता चल पड़ी। कितनी अच्छी संभावना है इस चीज की, और मुझे लगता है वैसा ही हुआ है जैसा मैंने लोगों से बात की, और न्यूज में भी जो लोग रिपोर्टर किसानों से पूछने की कोशिश कर रहे थे कि आप कहाँ जा रहे हैं, नहीं पता था उनको। और एक चीज़ और सोचिए आप, अगर मान के चलते हैं अगर सबका मकसद यही होता है कि लाल किला पहुंचना है या आईटीओ पहुंचना है, तो 2-3 लाख ट्रैक्टर आए थे, इतने सारे लोग, अगर कुछ लोग पहुंच गए थे तो और लोग भी जा सकते थे, लेकिन किसान भाई ही थे जिन्होंने खड़े होकर रूट को फिर से व्यवस्थित किया है पुलिस के साथ मिलकर। सब लोगों का मकसद ऐसा नहीं था कि अव्यवस्था फैलानी है। बहुत बड़ा अमाउंट किसानों का अपने तय रूट पर चला है, और ये अव्यवस्था सिर्फ कुछ लोगों ने फैलाई है। 2-2.5 लाख ट्रैक्टर थे, इतने ज़्यादा लोग थे, अगर सब लोग इतनी अव्यवस्था फैलाते तो शायद काबू में नहीं आती। उनका मकसद नहीं था, उन्होंने कोई दुकान नहीं लूटी है, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया है, किसी के साथ मारपीट नहीं की है,
किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं की है, कोई ऐसी वीडियो सामने नहीं आई है। पता नहीं आपने देखी है कि नहीं देखी है, किसान लोग, किसान वॉलेंटियर्स साथ में मिलकर लोगों को सही रूट पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया ने वो चीज़ें नहीं दिखाई हैं, पॉजिटिव चीज़ें नहीं दिखाई हैं, सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस किया है जिससे अपना व्यू बायस्ड हो सकता है। सब लोगों की कोशिश थी कि हम तय रूट पर चलें, मोस्टली लोगों की। कुछ लोग जानकारी न होने की वजह से या अज्ञानता की वजह से गलत रूट पर पीछे पीछे चले गए, लेकिन फिर भी बहुत लोगों की यही कोशिश थी कि मैं अपने परेड में शामिल हूँ, शाम को अपने घर को लौट जाऊँ, जो पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो हरियाणा के, वहाँ से जो किसान भाई आए थे। दूसरी चीज़ तिरंगे की बात, ऐसा नहीं है जैसा न्यूज़ में फैलाया जा रहा है कि वहाँ पर झंडा खालिस्तानी था। वो झंडा खालिस्तानी नहीं था, वो निशान साहिब का झंडा था। और मैंने पूरी वीडियो देखी है, लाइव चल रहा था कि क्या इवेंट्स हो रहे थे। आपने एक क्लिप देखी होगी जहाँ पर किसी ने झंडा फेंक दिया है, दूसरा झंडा पकड़ लिया, लेकिन वो एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स थी। एक बंदा पोल पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, उसके पास कोई झंडा था, नीचे कोई खड़ा है, वो उसको कुछ देने की कोशिश कर रहा है, फिर कोई और चढ़ रहा है, उससे नहीं चढ़ा जा रहा है, ऐसा बार बार हो रहा था। तो किसी को कोई वीडियो दिखाई जा रही है जिसमें झंडा एक्सचेंज हो रहा है, या किसी किसी को दूसरी वीडियो दिखाई जा रहा है जिसमें एक निशान साहिब का झंडा उसके पास है, या एक वीडियो मैंने ये भी देखी है कि उस आदमी ने तिरंगा छोड़ के दूसरा झंडा पकड़ लिया है। बट फाइनली ये देखिए कि तिरंगा वहाँ पर पीछे बड़ी स्टेज पर पीछे था, उसको किसी ने टच नहीं किया। तिरंगा वहीं था, वही पूरी वीडियो के टाइम था, उसके पास तक कोई भी नहीं गया है। जिस फ्लैग पोस्ट, जिस पोल पर लोग चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उस पर पहले कोई झंडा नहीं था, खाली थी वो, उससे तिरंगा नहीं उतारा गया है। न्यूज़ को इस तरीके से दिखाया गया कि तिरंगा उतार के दूसरे झंडे लगा दिए गए, बिल्कुल गलत है। और लोग इस चीज़ को साबित करने के लिए पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल्स की स्निप डाल के ऐसी न्यूज़ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। तो ऐसा नहीं था, खाली फ्लैग पोस्ट पर उन्होंने झंडा लगाया था। तो ये जो फैलाया गया है ये गलत है। दूसरी चीज़ ये भी फैलाया है कि खालिस्तानी झंडा लगा कर लोगों ने वहाँ पर पता नहीं क्या कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि जो फाइनली दो पोल पर दो झंडे लगे हुए थे, एक निशान साहिब का झंडा था और एक किसानी संघर्ष का झंडा था, तो उन दोनों झंडों के अलावा पोल पर कोई झंडा नहीं था। तो ये भी जो न्यूज़ में फैलाया गया है, या कुछ लोगों ने ट्वीट्स किए हैं, न्यूज़ वालों ने ट्वीट किए हैं, अच्छी अच्छी पर्सनैलिटीज़ ने ट्वीट किए हैं इस तरीके के, इंस लाइंस में, पर ऐसा नहीं था। तो आप उसके शिकार मत बनिए, रिक्वेस्ट है आपसे। और ऐसा नहीं है कि जाने अनजाने में लोगों से तिरंगे के साथ गलती से पेश आए हैं या नहीं आए हैं। थोड़े दिन पहले मैंने न्यूज़ में देखा था कि किसी योगी जी की किसी रैली में बीजेपी के झंडे को तिरंगे के झंडे के नीचे लगा दिया है। और भी अलग अलग स्नैपशॉट सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं जहाँ किसी पार्टी के मुख्यालय पर तिरंगा नीचे लगा हुआ है, उसका पार्टी का झंडा ऊपर लगा हुआ है। वो भी चीज़ गलत है और ये भी गलत है, पर सिर्फ इसकी वजह से पूरा अपना बायस्ड व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू मत बना के रखिए, मेरी ये रिक्वेस्ट है। और जो तीसरी चीज़ है, जो जान माल के नुकसान की बात है, जो पुलिस कर्मियों को चोट आई है, जो किसानों को चोट आई है, तो मुझे ऐसा लग रहा है, देखो अगर आंदोलन बेकाबू हुआ तो पुलिस वाले भी उसको काबू करने की सोचेंगे, बल का भी प्रयोग होगा, सब होगा, आंसू गैस के गोले भी छोड़े जाएंगे। वो लाचार हैं, उनका मकसद कानून व्यवस्था बनाना है, तो उसकी वजह से किसानों को चोटें आएंगी, पक्का आएंगी। इस चीज़ को मत बोलियो कि पुलिस वालों ने बर्बरता कर दी है। और दूसरी चीज़, अगर कोई किसानों डी रूट डी
बेलियल होके रूट से गलत रास्ते पर चला गया, सामने से उस पर लाठियां बांधी जा रही हैं, और ऐसी ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं जहां बूढ़े किसानों को पीटा जा रहा है, ट्रैक्टर पर अकेला है उसको पीटा जा रहा है, तो वो भी भागने की कोशिश करेंगे, वो भी ट्रैक्टर के साथ भागेंगे, खुद भागेंगे, बचने की कोशिश करेंगे, आत्मरक्षा करेंगे, सेल्फ डिफेंस करेंगे। तो उसके अब ऐसे में माहौल ऐसा बन जाता है कि दोनों में से किसी को भी चोटें आ सकती हैं, लेकिन उसको सिर्फ इस तरीके से प्रोजेक्ट मत कीजिए कि किसानों ने पुलिस को पीट दिया या पुलिस ने किसानों को पीट दिया। ऐसी ऐसी वीडियोज हैं, मैं लास्ट में शेयर करूंगा, जहां पे मैं नहीं था वहां पे, लेकिन सोशल मीडिया पर आई है कि तय रूट पर भी पुलिस ने लोगों के ट्रैक्टर का डीजल निकाल लिया है, पंचर कर देखो ये दिए सारा हैं। खर्चा कट रहे सी, कोई ऐसा मुझे नहीं तुरंत पता साथ क्यों देगा किया जी, कोई होगा, अगर लोगों वो का सच साथ है देगा तो। जी, मैं तानू कुछ दिलशाद बताना गार्डन में चाहता मैं हूँ गया जी। था, मैं रोड पर ट्रैक्टर खड़े थे, देखो जी कम से कम मैं 50-60 डाला ट्रैक्टर था, लाइन से देखो खड़े ये थे, मैंने ट्रैक्टर आंखों सारे से खड़े देखे थे, हैं, वीडियो में लास्ट में डाल दूंगा, जिनकी हवा निकाली ये हुई थी, ट्यूब सारे काटी हुई ट्रैक्टर थी। देखो जी हवा कटी हुई बुजुर्ग है, बड़े इन परेशान बंदे थे, पार्ट एक कट बुजुर्ग लिया है, अकेला डीजल कट ट्रैक्टर लिया पर, है, देखो पान देखो रो तो सूखा नहीं है, रहा था पर रोने से कम भी अकेले नहीं काम है था, जी, एक किसान आना तो अकेला देखे ना, आदमी था, बूढ़ा अकेले ट्रैक्टर पुलिस का था और काम है, उसके दोनों ट्रैक्टर टायरों की ये हवा बात लो निकली हुई थी। समझना, कोई न्यूज़ चैनल तो नहीं आ रहा जी, तो अलग अलग तरह की ऐसे वीडियो आ रखो रही जी है, दिखा लेकिन रहे, दस रहे मैं तानू यार, आपको किसी एक हड्डियां देख रहे विशेष सर, पर्सपेक्टिव बनाने के लिए अगर कोई वीडियो पूरा दिखाई जा रही है तो वो भी गलत है। लाल किले की एक वीडियो आई है जहाँ पे पुलिसकर्मी कूद रहे हैं और कुछ एक एक ग्रुप आके उन पर अटैक कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। पुलिसकर्मी वहाँ पर व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी चीज, लाल किले पर जो भी आंदोलनकारी या जो भी लोग पहुंचे हैं, मोस्टली लोग का ये मुद्दा नहीं था, ना उनको पता था कि हमें लाल किले पर पहुंचना है। और हालांकि वहां पर उन्होंने किसी आम जनता या प्रॉपर्टी के साथ भी, मुझे नहीं लगता है कि तोड़ फोड़ मचाई या कुछ किया है। ऐसे न्यूज में आ रहा था कि 200 आर्टिस्ट को रेस्क्यू किया गया है, लेकिन उस प्रदर्शन में कहीं पर भी मुझे ऐसा लाइव वीडियो में ऐसा नहीं दिखा कि लोग किसी आम जनता पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर वीडियो में ऐसा ही लग रहा था कि आप फर्क नहीं बता पा रहे थे कि वहाँ पर दर्शक कौन है और किसान आंदोलनकारी कौन है। तो ये सब पॉइंट ऐसे हैं कि मैं दूसरे पर्सपेक्टिव की भी बीच बीच में फोटो डाली हैं, वीडियोज डाली हैं। तो आप सिर्फ एक पर्सपेक्टिव लेकर ना चलिए, भाव में आके एक पर्सपेक्टिव देख के चीज़ों को बढ़ावा मत दीजिए, प्रोपेगेंडा का शिकार मत होइए। रिक्वेस्ट है आपसे। और इन सब चीज़ों में काफ़ी चीज़ें गलत हुई हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसान भाई जो 2 महीने से सड़कों पर बैठा है वो गलत है। सवाल ये भी उठते हैं कि आज तक उस चीज़ का समाधान क्यों नहीं हुआ। सवाल सरकार पर भी उठते हैं, सवाल पुलिस पर भी है, सवाल किसानों पर भी है कि वो असामाजिक तत्व तो कैसे उस वीडियो उस भीड़ में आ गए हैं। सवाल बहुत सारे हैं, जवाब नहीं है, पर जवाब न होना या किसी एक बायस्ड पर्सपेक्टिव का होना, किसी एक तरफा चीज़ का आपको दिखाया जाना और उसके आधार पर आप अपना ये डिसीजन बना लें कि हमारे देश के अन्नदाता, हमारे किसान गलत हैं, वो भी सही नहीं है। मीडिया ने कभी इस बात पर गौर नहीं किया। हमारे इस किसान आंदोलन में 300 के करीब किसान शहीद हो चुके हैं, अपनी जान गंवा चुके हैं। और जिन लोगों को ये 300 नंबर बड़ा नहीं लग रहा ना, तो मैं आपको बता दूं, 2 महीने देश का कारगिल युद्ध चला था जिसमें 500 के करीब हमारे जवान शहीद हुए थे, तो 300 नंबर बहुत बड़ा है। वो एक युद्ध था, यहाँ पे लोग शांतिपूर्वक बैठे हैं तो 300 जाने जा चुके हैं। कल
आईटीओ पर यहाँ पर एक ट्रैक्टर ड्राइवर की भी जान गई है, 30 साल का लड़का था, उसको मीडिया में नहीं दिखाया गया। वहाँ पर जो रिपोर्ट सर्कुलेट हो रही थी, जो लोग लाइव वीडियो में आ रहे थे, वो कह रहे थे इसको गोली लगी है, तब ट्रैक्टर इम्बैलेंस होके ये पलटा है और तब इसकी जान गई है, तो उसकी जांच कौन करेगा? वो वीडियो क्यों नहीं दिखाई गई? उसकी जान गई है, किसी परिवार ने अपना सदस्य खोया है। यही यही देख के सबसे ज्यादा दुख होता है कि एक ही चीज क्यों, एक बायस चीज क्यों दिखाई जा रही है आप लोगों को? वो चीज अहमियत क्यों नहीं रखती है? 300 जाने अहमियत नहीं रखती हैं क्या? सरकार के लिए नहीं रखती हैं क्या? मीडिया के लिए नहीं रखती हैं क्या? कौन दिखाएगा उनको? इतने लोग ठंड में बैठे हैं, इतनी परेशानी हो रही है, उस चीज को कौन दिखाएगा? और आप सिर्फ कल के इवेंट को देख के इन सब बातों को भूल के अपना एक तरफा विचार बनाकर इन किसानों पर एक धब्बा साबित कर देते हैं, इसको झूठा आंदोलन साबित कर दे रहे हैं, इसको एक खालिस्तानी आंदोलन साबित कर दे रहे हैं, इसको एक फंडेड आंदोलन साबित कर दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो 100% जस्टिफाइड है या सही है। नमस्कार, जिसने देखा यहाँ तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शांति बनाए रखें, संयम बनाए रखें, धैर्य बनाए, सौहार्द बनाए, आपस में एक दूसरे के विचारों से सहमत होने की कोशिश करें, दूसरे के विचार सुनने की कोशिश करें। हम हमारी एक दूसरे से असहमति हो सकती है विचारों की व्यक्तिगत, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो जिसको मेरे विचार ठीक लगे हैं, लोगों के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हो सकता है कि हमारी ये छोटी सी कोशिश कुछ लोगों के आंखों से ये जो जमी धूल है, जो लोगों ने जमा दी है, एक प्रोपेगेंडा के तहत जमा दी है, उसको हटाने की कोशिश, उसको हटाया जा सके। और उसको हटाने की एक छोटी सी कोशिश में मैंने अपने विचार इस वीडियो में रखे हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, भगत सिंह तेरी सोच दे, भगत सिंह तेरी सोच दे, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, भगत सिंह तेरी सोच दे, झूल दे निशान रैन झूल दे निशान रैन पंत महाराज के, झूल दे निशान रैन। किस किस व्यक्ति के साथ उसकी फोटो है? 7 रेस कोर्स रोड के अंदर जाके प्रधानमंत्री के साथ फोटो है, अमित शाह के साथ फोटो है, सनी देओल से जो रिश्ते हैं वो स्पष्ट हैं, और इसलिए जाहिर है ये सरकार की तरफ से प्लांटेड व्यक्ति है, ऐसा हमारा मानना है। और इसलिए आज मीटिंग ने घोषणा की है कि हम पूरे देश में दीप सिद्धू के सामाजिक बहिष्कार की अपील करते हैं, क्योंकि इस देश के लाल किले में जाके बेअदबी करना और लाल किले में जाके तिरंगे के अलावा किसी भी और झंडे को फहराने की कोशिश करना इस देश के साथ बेअदबी है, और इस देश के किसान इसको